गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन सिक्स स्टैंडर्ड का उपहार लेसन पार्ट अब हम पढ़ेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या है उपहार का मतलब होता है? आपको इंग्लिश में जैसे कहते हैं आप गिफ्ट, है ना, उपहार यानी गिफ्ट। तो ये उपहार इस पार्ट में किस प्रकार से यहाँ पे उपयोग में लाया गया है वो अपन इस पार्ट में देखेंगे। जैसे कि इस कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति अगर करनी है, अगर किसी भी वस्तु की लक्ष्य प्राप्ति अगर करनी है तो उसके लिए रुचि और लगन बहुत आवश्यक होती है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रुचि और लगन बहुत आवश्यक होती है। तो इस पाठ में बताया गया है कि ये एक कहानी है, इस कहानी को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो इस कहानी में बताया गया है कि एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता है, वो बहुत ही गरीब रहता है। ऋत्विक नाम का लड़का रहता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब रहता है। तो उसके गांव के पास एक पुस्तक मेला लगता है, तो उसकी बहुत इच्छा होती है कि उस पुस्तक मेले में वो जाए और वहाँ से कुछ पुस्तकें खरीदे। तो वो क्या करता है, अपनी माँ से वो पूछता है कि माँ मुझे पुस्तक गांव के पास लगे पुस्तक मेले में मुझे जाना है और वहाँ से कुछ पुस्तकें खरीदना है। तो माँ कहती है कि इतने गांव के दूर पुस्तक मेले में तुम अकेले कैसे जाओगे, ऊपर से तुम्हारे साथ कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं है, है ना, इस वजह से तुम वहाँ पर मत जाओ। माँ की बात सुनकर वो उदास हो जाता है ऋत्विक, और फिर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और वो सोचने लगता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे चली जाती है, तो वो वहाँ तेजी से पहुँच जाता है। फिर उसने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत तेज रोशनी थी, तो वह वहाँ पे चला जाता है। और फिर वहाँ पे वो देखता है तो वहाँ उसे क्या दिखता है, तो एक सुनहरे पंखों वाली परी खड़ी रहती है। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा कि तुम कौन हो, उस पर परी ने कहा कि मैं एक परी हूँ। तो ऋत्विक उससे लेकिन परी उससे कहती है कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तो ऋत्विक थोड़ा सा रोया और उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि गांव के बाहर जो पुस्तक मेला लगा है वहाँ पे मैं जाऊँ और वहाँ से कुछ पुस्तकें खरीदूँ, लेकिन मुझे माँ ने मना कर दिया है। तो परी ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऋत्विक ने कहा कौन सी शर्त? तो परी ने क्या कहा, परी ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। ऋत्विक ने पूछा कौन सी परीक्षा? तो परी ने कहा कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगी उस परीक्षा के बारे में तो वो परीक्षा नहीं रह जाएगी। परी ने कहा कि तुम अगर उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक ने कहा ठीक है, और वहाँ से ऋत्विक चला गया। फिर वो वैसे जैसे ही रास्ते से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लाल कलर की पोटली दिखी। उसने उस पोटली को उठाया, उसे बहुत देखा, फिर उसने सोचा कि इस पोटली को मैं खोल कर देखूँ, लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि इस पोटली में कोई ना कोई कीमती चीज़ होंगी और जिस पर मेरा हक नहीं है, इसलिए ये पोटली मैं नहीं खोलूँगा। जैसे ही वो सोचने लगा तभी दूर से उसे एक राहगीर की आवाज़ आई। वो राहगीर उस ऋत्विक के पास आया और उसने ऋत्विक से पूछा कि रास्ते में मेरी कहीं पे मेरी पोटली गिर गई है। तो उस पर ऋत्विक ने कहा कि वो लाल रंग की पोटली थी क्या, उस पर कोई चिन्ह न था। राहगीर ने बताया कि वह पोटली लाल रंग की है और उस पर एक सुनहरे परी का चित्र बनाया हुआ है। जैसे ही ऋत्विक ने सोचा कि ये पोटली लाल रंग की है तो उसने अपने बैग में से उस पोटली को निकाला और उस पोटली पर उसने सुनहरे रंग के परी का चित्र देखा। चित्र देखने के बाद उसे लगा कि सच में ये पोटली इस राहगीर की है। उसने उस राहगीर को वह पोटली दे दी। फिर ऋत्विक अपने घर वापस आ गया। फिर दूसरे दिन सुबह वह जब सोकर उठा तो फिर से उसी पेड़ के नीचे वो जा बैठा जहाँ पे उसे वो परी मिली थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वहाँ पे परी नहीं थी। तो वो थोड़ा सा उदास होकर वहाँ पे बैठा और सोचने लगा कि कल मुझे वो पोटली मिली थी, लाल रंग की थी, वो मैंने राहगीर को दे दी थी। तो इसके बारे में सोच ही रहा था तो अचानक वहाँ पे परी फिर से आई और उसने परी ने फिर ऋत्विक से पूछा कि ऋत्विक कैसे हो। तो ऋत्विक ने कहा मैं ठीक हूँ। तो परी ने ऋत्विक से कहा ऋत्विक तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ आगे करो। ऋत्विक ने सोचा किस लिए, तो
परी ने कहा कि तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ऋतिक सोचने लगा कि मैंने कौन सी परीक्षा दी, मैं कौन से परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। फिर भी उसने आंखें बंद कर ली और हाथ आगे किया, तो परी ने उसके हाथ में वही लाल रंग की पोटली उसे दे दी। तो जैसे ही ऋतिक ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके हाथ में वही लाल रंग की पोटली थी जो उसने उस राहगीर को दी थी। तो उसने परी को ये सब बातें बताई। तो परी ने उससे कहा कि ये वही पोटली है और मैं वो राहगीर भी मैं ही थी, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए थे। तुमने उस पोटली को बिना खोले ही उस राहगीर को दे दी थी और वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मेरे इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होने की वजह से ये मैं तुम्हें इनाम में दे रही हूँ। ऋतिक को बहुत ही आनंद हुआ और वो उसकी ईमानदारी देखकर परी ने उसे पोटली देने की वजह से ऋतिक के पास परी को धन्यवाद कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं थे। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने परी को धन्यवाद देकर वह पोटली लेकर वो घर वापस आ गया और अपनी माँ के हाथों में उसने वो पोटली दे दी। माँ सोच ही रही थी कि ऋतिक ये क्या दे रहा है हाथ में, लेकिन माँ ने फिर उसे खोल कर देखा। तो जैसे ही माँ ने उसे खोल कर देखा तो माँ वो पोटली धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बड़ी होने की वजह से क्या हुआ कि उसमें से बहुत सारी सुंदर सुंदर किताबें उसमें से बाहर निकल रही थी। तो बाहर निकलने की वजह से उन किताबों को देखकर ऋतिक बहुत खुश हो गया और खुश होने की वजह से उसने अपने दोस्तों के लिए एक पुस्तकालय खोल दिया। ऋतिक ने अपनी बहन कृतिका की सहायता से अपने मित्रों के लिए एक पुस्तकालय खोला जहाँ पे उसके सारे मित्र पुस्तक पढ़ने के लिए आते थे और पुस्तक पढ़ने के बाद वहाँ से चले जाते थे और पूरा गांव उनको पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। फिर ऋतिक भी अपना सारा समय उस पुस्तकालय में ही बिताने लगा। पुस्तकालय में वक्त बिताने की वजह से ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन ऐसे ही पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक सो गया, यानी उसकी आँख लग गई और आँख लगने की वजह से क्या हुआ कि उसके सपने में वही सारी पुस्तकें दिखाई देने लगी। उसमें से एक पुस्तक उसके पास आया और उसे कहने लगा कि ऋतिक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या हमारा साथ छोड़ दोगे। उस पर ऋतिक ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मेरे मित्र हो, तो मैं तो आप सबका साथ कैसे छोड़ूंगा। तो इस प्रकार की बातें वो पुस्तक के साथ कर रहा था, लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक दरवाजे पर घंटी बजी और घंटी बजने की वजह से क्या हुआ, ऋतिक की नींद टूट गई। नींद टूटने के बाद उसे फिर वो सब कुछ याद आ रहा था जो वो सपने में देख रहा था, है ना। तो पुस्तकों की वो बातें सुनकर उसने जगने के बाद क्या सोचा कि मैं आगे चलकर जब भी मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं आगे चलकर एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूंगा जिनको जहाँ पे सभी मेरे मित्र वहाँ पे आएंगे और पुस्तकें पढ़ेंगे। इस प्रकार से उसने पुस्तक भंडार खोलने का विचार उसके मन में आ गया। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ उपहार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।